स्ट्रेस प्लस सस्टेन लोड, जिसके अंदर हम कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसका 45% एज एक्टिव प्री स्ट्रेस इनका कंसीडर करते हैं कंपेयरिंग स्ट्रेस के लिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन के अंदर हम प्री स्ट्रेस प्लस टोटल लोड हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद टोटल सेल्फ वेट हमारे पास 1019 पाउंड पर फीट था, तो टोटल हमारे पास मूवमेंट जो जनरेट हुई 17.5 फीट के ऊपर वो हमारे पास आ जाती है डब्ल्यू एल बाई टू कंडीशन से। W हमारे पास टोटल लोड है, टोटल लोड आपका सेंटर सेक्शन के अंदर 11 पॉइंट जो 1019 था अब हमें कंसीडर करना है 17.5 फीट के ऊपर। तो हमने x डिस्टेंस कंसीडर किया 17.5 फीट का, तो W इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई टू हमारे पास डब्ल्यू एल एल बाई टू का फार्मूला बन गया। तो मोमेंट हमारे पास किस तरह से निकाली हमने 1019 टोटल टू फीट का था, 17.5 फीट डिस्टेंस के ऊपर हमें मोमेंट चाहिए वो मल्टीप्लाई हो गया इनटू ब्रैकेट के अंदर टोटल एल एल 70 फीट की माइनस आपने 17.5 मिलियन कर दिया डिवाइड बाय 2 इनटू 12 इनटू कन्वर्जन। तो टोटल मूवमेंट हमारे पास आ गई 17.5 फीट के ऊपर वो आ गई 5.17238 पाउंड। इसके बाद हमने स्ट्रेस को कंसीडर किया कि स्ट्रेस क्या होती है एम वाई ओवर आई। अब एम मूवमेंट है हमारे पास जो कंसीडर किया फीट लाइन के ऊपर, सी डी इज द सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द बॉटम फाइबर, हम टोटल बॉटम फाइबर को कंसीडर कर रहे हैं। ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है मेरी कंडीशन के अंदर गिवन है मोमेंट 5.17238 इनटू सीडी डेंसिटी डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से बॉटम फाइबर तक 25.77 था डिवाइड बाय 86072 पाउंड इंच इंच पावर 4 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टोटल हमारे पास स्ट्रेसेस आ गए को कितनी आई 1682 पीएसआई की स्ट्रेस स्ट्रेसेस आ गए। अब हम क्रैकिंग मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। क्रैकिंग मूवमेंट हमारे पास कितनी है सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर इनटू 6 लैम्डा अंडर रूट एफसी डैश प्लस एफसी माइनस एफ। अब तमाम वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस था 1340 था, 6 कांस्टेंट है, 1 इज द फॉर द लैम्डा, लैम्डा हमारे पास नॉर्मल वेट कांस्टेंट है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर द प्रीकास्ट मेंबर 5000 की वो हमने यूज की प्लस 2440 हमने कंसीडर किया था एफसी के लिए और माइनस एफसी 1682 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। Bye.
डिवाइड बाय 2 इनटू 12 इज द कन्वर्जन। टोटल मैक्सिमम मूवमेंट हमारे पास कितनी आ गई 76,473,400 पाउंड के नीचे। उसके बाद हमने इनिशियल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट की। इनिशियल शियर स्ट्रेस हमारे पास जो कंप्लीट सेक्शन है उसका ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है उस हिसाब से कितना आ रहा है 0.6 लैम्डा नो लेस दैन डी प्लस डी प्लस डी आई इनिशियल डिवाइड बाय मैक्सिमम मूवमेंट इनटू क्रैकिंग मूवमेंट, जो कि तमाम फैक्टर की जो वैल्यू है वो मोर देन इक्वल टू 1 चाहिए 1.7 लैम्डा नो लेस दैन डी। तो जब हमने सारी वैल्यूज हमारे पास निकल ली हैं और जो वैल्यू हमारे पास है देख ली दैट इज 46,279 पाउंड और ये वैल्यू हमारी जो है ज्यादा है 45,075 से जो ऊपर वाले फैक्टर से वैल्यू आ रही है। तो हमने जब तमाम वैल्यूज को चेक कर लिया तो हैं डीसीआई कंट्रोल की डीसीआई की जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास जो है ज्यादा है। इसलिए इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि सेक्शन जो है वो कंट्रोल कर रहा है और ये वैल्यू हमारी डिजाइन वैल्यू मैक्सिमम है जिसको हमने कंसिडर करके ओवरऑल सेक्शन को डिजाइन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम इस वेब शेयर क्रैकिंग कंसिडर करते हैं। वेब शेयर क्रैकिंग जो कि डब्ल्यू से डिफरेंट होती है तो एफ सी बार इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेसिंग डिवाइड बाई एरिया ऑफ द सेक्शन। हमारे पास वैल्यू आ गई 417 सी एस आई। तो फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसिंग फोर्स हम कंपोनेंट्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं कि इंक्लाइन फॉर्म के अंदर जो है वो प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंट जा रहा है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट फोर्सेस के डेवलप होंगे। अब वर्टिकल फोर्स जो डेवलप हो रहा है दैट इज अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो हमने इसको मशीन फॉर्मूले को एलिमिनेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू थी इफेक्टिव स्ट्रेस वो 407,592 थी और टेंजेंट थीटा के लिए हमने जो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं ट्रायंगल एक बना के उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस या इस तरह का फार्मूला कंडीशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो सी का जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है वो 21.977 है माइनस 11.38 का मोर डाइसेंट्रिक डिस्टेंस होल डिवाइड बाई 70/2 स्पैन लेंथ इनटू 12 इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो टोटल हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट फॉर द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स आ गया 10,083 पाउंड। उसके बाद हमने डीसीडब्ल्यू यानी वेब शियर क्रैकिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जो कि अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर की ओवरऑल कंसीडर करते हैं तो 3.5 लैम्डा नॉन एफ सी डैश प्लस 0.3 एफ सी बार बी डब्ल्यू जी टी होती है प्लस जो वर्टिकल कंपोनेंट था प्रीस्ट्रेसिंग का वो भी इसमें रिप्रेजेंट हो गया। टोटल वैल्यूज हमारे पास 3.5 × 1 फॉर द लैम्डा लैम्डा की वैल्यू 1 है 5,000 कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 0.3 एफ सी बार 417 जो बी डब्ल्यू है वेब स्ट्रेंथ या वेब थिकनेस हमारे पास 12.5 इंच थी इफेक्टिव डेप्थ 13 इंच थी जो कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कंसीडर की थी। उसके बाद प्लस डी सी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया 10,083 पाउंड। तो टोटल हमारे पास डी सी डब्ल्यू की जो वैल्यू आई वो 149,803 पाउंड आ गई और जो हमारे पास फाइनेंशियल शेयर ट्रैकिंग की वैल्यू आई वो 46,279 आ गई। तो बेसिकली वैल्यू जो है फ्लेक्सुरल शेयर ट्रैकिंग की स्मॉलर ऑफ द डीसीआई एंड डीसीडब्ल्यू है इक्वल्स टू जो हमने नॉर्मल शेयर कंसीडर किया था रिएक्टिव शेयर उसकी वैल्यू हमारे पास जो आई वो वैल्यू डीसीआई और डीसीडब्ल्यू दोनों से कम है। इस वजह से हम जो वैल्यू है उसको डीसीआई के इनिशियल फ्लेक्सुरल शेयर स्ट्रेंथ के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं 46,279 पाउंड। नाउ स्टेप नंबर 3 के अंदर हम बैड रिइंफोर्समेंट को डिफाइन करते हैं जो कि लास्ट जो डिटेल प्रोसीजर था उसके अंदर स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 8 के दरमियान हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जस्ट जंप्स हैं हमने डायरेक्टली कंसीडर किया हुआ है तमाम वैल्यूज को। सो बी सी जो हमने फाइव सिक्सटी फाइव के ऊपर वो वैल्यू हमारे पास 46,279 पाउंड थी। तो हम 1/2 अगर बी सी का हाफ कंसीडर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 23 ओवरऑल शेयर कितना था और एक सपोर्ट के ऊपर शेयर कितना आ रहा है 23,140 पाउंड का। तो हम अल्टीमेट फैक्टर शेयर से जो हमारे पास टोटल शेयर आई थी फैक्टर शेयर कैलकुलेट जो नॉमिनल शेयर कैलकुलेट करते हैं जो कि फैक्टर शेयर बाय 5 होती है सेक्शन ऑफ 17.5 के अंदर सपोर्ट। तो टोटल हमारे पास जो 61,017 पाउंड का जो कि डीसी से भी ज्यादा है और हाफ ऑफ द डीसी से भी ज्यादा है एंड द डिजाइन ऑफ शेयर नेसेसरी आप प्रोवाइड करने ही करते हैं उसके लिए हम कंसीडर वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ये अगर हम फार्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं तो हमारे पास जो है वो नॉमिनल शेयर माइनस डिजाइन शेयर डिवाइड बाय एफ बाय ए इनटू बी सी ये हमारा फार्मूला है। नॉमिनल शेयर क्या होता है फैक्टर शेयर बाय फाइव माइनस बी सी डिवाइड बाय एफ बाय टी इनटू बी सी इज इक्वल टू फैक्टर शेयर हमारे पास कितना वैल्यू था 61,017 पाउंड माइनस बी सी हमारे पास अलरेडी 46,279 है एफ बाय टी
कॉलम बी को लेट कंसीडर करते हैं इफेक्टिव डेप्थ के, और बी भी हमारे पास जब भी जब जो अंदर भी 12.5 इंच है इफेक्टिव डेप्थ 13 इंच का, तो मिनिमम एरिया ऑफ क्रिटिकल रिइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेस हम किस कंसीडर करते हैं, वो एरिया ऑफ स्ट्रेसिंग बाय एचिंग इनटू इफेक्टिव प्री स्ट्रेस जो ब्रेस्ट स्ट्रेस के अंदर हमारे पास अल्टीमेट प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय fy इनटू ई फार्मूला था इनटू अंडर रूट ई ओवर बी, जब जो आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आ जाती है 0.00 इंच स्क्वायर पर इंच। अगर हम 0.75% एंड रूट एफ करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 53, तो मिनिमम एरिया ऑफ का दूसरा फार्मूला जितना ए ओवर एस इज इक्वल टू 53 इंटू बी डब्ल्यू डिवाइड बाई एफ बाई डी। अब यह फार्मूला की हमारे पास वैल्यू आई वो 0.011 यानी कि वो वैल्यू जो पिछले जो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है 0.011 इंच स्क्वायर पर इंच आप ये मतलब लेसर ऑफ टू मिनिमम वैल्यू सप्लाई फॉर मिनिमम वर्सेस 0.00 जो हमारे पास दो वैल्यू मिनिमम आई उसमें से हमें लेसर को चूज करना है लेसर 0.0010 इंच स्क्वायर पर इंच की। एंड कंट्रोलिंग क्वांटिटी आप इसको जब चूज करते हो तो ए बी ओवर एस हमारे पास फॉर बोथ लेंथ आ जाती है 0.1 इंच स्क्वायर और पर वेव अगर आप डिसाइड करो तो 0.05 इंच स्क्वायर पर वेव पर फिट के हिसाब से एक वेव के अंदर आपके पास एरिया ऑफ फील्ड आ जाता है। स्लाइड के अंदर भी मशीन के स्पेसिफाइड डिटेल्स में अगर हम एक रो यूज करते हैं इन फाइल के फॉर्म वेल्डेड फायर वायर डब्ल्यू सी एल डेड इंटरप्रेट स्टैटिक के ऊपर, तो मैक्सिमम अलोएबल स्टैटिक हमारे पास 0.75H शुड बी लेस देन इक्वल टू 75 टू, हमारे पास दो कंडीशन होती है तो ये बोल करो या 75% ऑफ एच यूज करो या तो 0.75 आ गई ताकि 5.4 इंच एक हमारे पास 24 इंच की है। हमने यहाँ अकॉर्डिंगली अडॉप्ट वन रो WWF लैब इन्फोर्समेंट इन वन लेयर है 10 इंच सेंटर टू सेंटर स्ट्रेस इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया। तो स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 4 के अंदर हम डबल स्टील को डिजाइन करते हैं फॉर अ फुल कंपोज इलेक्शन कंसीडर एडिशनल 2 इंच स्टॉपिंग हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेक्शन एट हाफ ऑफ द डेप्थ स्पैन द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट हम इफेक्टिव डेप्थ जो है 30 इंच का लेते हैं हमारे पास एडिशनल टॉपिक आ गई 32 इंचेस हो गया। सपोर्ट के ऊपर हमने जो शेयर कंसीडर किया था प्लाई के ऊपर वो 91,525 था, हाफ ऑफ इंच हमारे पास 1.6 आ जाता है एच बाई टू 1.33 है ऑलरेडी। अल्टीमेट शेयर जो रिवाइज आया दैट इज जो हमारे पास डेप्थ एक्सक्रीज हो गई 32 इंच की, तो अल्टीमेट शेयर दोबारा रिवाइज हो जाएगा 91,525 इंटू हाफ ऑफ द स्पैन 35 फीट माइनस जो एच बाई टू डिस्टेंस के ऊपर 1.33 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 35 अगेन जो हमारे पास 35 है ओवरऑल सेक्शन का इक्वल टू जो अल्टीमेट फैक्टर शेयर आया वो हमारे पास 8,047 पाउंड आ जाता है। अब रिक्वायर्ड नॉमिनल शेयर अल्टीमेट फैक्टर शेयर डिवाइड बाय 5 फैक्टर हमारे पास रिक्वायर्ड नॉमिनल शेयर 1,017,396 किलोन्यूटन या पाउंड के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो टोटल हमारे पास इफेक्टिव जो प्लेन फिट की वो 12 फिट की है हमारे पास जो टोटल हॉर्स फोर्स है वो कम वाली वैल्यू हम कंसीडर कर
पास जो है वो 76 का ओवरऑल स्पैन है इनटू 12 डिवाइड बाय 2, तो टोटल हमारे पास जो एनपीए की वैल्यू आ गई है 420 नीचे। अब मजीद इसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं डबल रिस्पोर्टमेंट के लिए टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स था एनपीए का कैलकुलेट किया 419 आ गया। पीवी आपके पास जो ओवरऑल स्टॉक हाँ
वेरी मच।